नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। मैं प्रदीप पचौरी सत्याधीश शर्मा क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। राम राम, गुड मॉर्निंग सर जी। शादी करवा दो यादव जी। अरे भाई साहब, पढ़ाई लिखाई करो, ये शादी की बात छोड़ो यार, सुखी कम हो गया अभी। ठीक है बिक्कू भाई, गुड मॉर्निंग। अच्छा बिक्कू जी, गुड मॉर्निंग बिक्कू को बोला जा रहा है। रज्जू भाई, गुड मॉर्निंग। भावना जी, गुड मॉर्निंग। यादव जी, विकास भाई, गुड मॉर्निंग। अरे धीरज यादव, शादी करवा दो इसकी यार, ब्लॉक होना है क्या तुझे यार। गुरुवर, कोटि कोटि प्रणाम। राधे 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 भैया, खुश रहिए सभी लोग। सर जी, मिस यू। अरे भाई साहब, ऑनलाइन तो हैं, बस फीलिंग लीजिए क्लास की। फेस टू फेस तो हैं, हम तो आपको कैमरे में से देख के समझ लेते हैं कि भैया बैठे हैं बच्चे। खरगोन निमान से राम राम, राम राम सभी को, राम राम। गुड मॉर्निंग। दंडवत सादर प्रणाम सभी को। आइए, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। गर्दा उड़ा देंगे भैया, बिल्कुल। खरगोन निमाण से, अरे भैया धीरे, ये धीरज यादव को ब्लॉक करवा, इसकी शादी करवा दे ब्लॉक करवा के। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। प्रणाम सर जी, प्रणाम। चलिए बच्चे, आज हम नल एवं टंकी चालू करेंगे। नल एवं टंकी सर, नया टॉपिक है बेहतरीन तरीके से। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, टपाटप। चलो चाचा आगे बढ़े। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट कौन कर रहा है भैया? रिंकू केवट जी, कौन सा नशा करते हो भाई साहब? ठीक है आगे बढ़े। चलो बच्चे, चलो लॉकडाउन लगा। अरे भाई साहब लॉकडाउन छोड़ो, हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। नल एवं टंकी, लॉकडाउन लगे चाहे कुछ भी लगे, क्लासें बंद नहीं होंगी आपकी, कंटिन्यू चलेंगी, याद रखना। हम तो बोरी बिस्तर अपना यहीं बांध के डले हैं, हमारी बोतल पीने की है। क्यों दें बोतल ले जा रहे हैं भाई साहब। भैया सोच, आइए सर, यदि किसी टैंक का 1/3 भाग, क्वेश्चन को समझते हैं भाई साहब। आइए चाचा शादी करा दे। अरे चाचा तू चुप तो जा भैया, धीरे ज्यादा को पहले ब्लॉक कर, इसको लगा है सर। आइए क्वेश्चन समझिए, यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 60 लीटर पानी आता है तो आधे भाग भरे होने में कितना आएगा? 1/3 भाग का मतलब क्या होता है पहले तो उसको समझ ले भैया। सर आपका एक टैंक है, 1/3 भाग का मतलब होता है कि टोटल उसकी क्वांटिटी, टोटल उसकी क्षमता 3 होगी, तो एक उसमें से कौन सा होगा? भरा हुआ होगा। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर कितना? 1/3 भाग, 1/3 भाग का मतलब होता है 3 अगर कुल है, 1 भरा होगा, उसमें 60 लीटर पानी भरा आता है, 60 लीटर पानी आता है, तो उसके आधे भरे होने पर, मुझे एक बात बता चुन्नू मेरे मुन्नू कि भैया मेरे एक टोटल कितने यूनिट का है? या 3 यूनिट का समझ लो, 3 यूनिट का है, टोटल 3 यूनिट का है बच्चे। अगर टोटल 3 यूनिट का है, आपसे कह रहा है एक उसमें भरा है, एक जो पानी भरा है वो कितना है? 1 यूनिट पानी भरा है, और 1 यूनिट पानी भरा है, क्वेश्चन में कह रहा पानी कितना भरा है? 60। तो गुरु 1 यूनिट की वैल्यू 60 लीटर के बराबर है, तो मैं आपसे पूछूं टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6। 60 × 3 कितना होगा गुरु आपका? 180। टोटल अगर 180, आपसे कह रहा है आधा कितना भरा होगा, आधा निकालना है, तो 180 का आधा गुरु कितना होता है? 90 लीटर। तो आपका आंसर होगा 90। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कहीं किसी को डाउट हो तो बताइए, आदरणीय चुन्नू मेरे मुन्नू जल्दी से बताइए, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं चैनल को गुरु सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए। सर नीतू, ये टॉपिक आज ही स्टार्ट हुआ है? अच्छा, अरे भाई साहब आज ही स्टार्ट हुआ है, आप तो बोला करो हम तो जल्दी भी खत्म कर दिया करेंगे, पता नहीं, लेकिन चीज़ें पूरी पढ़ो भाई साहब। ये लॉकडाउन है, अपने लिए अपॉर्चुनिटी मानो कि जो भी कमजोरियां हैं उसको खत्म कर डालो, पूरा मैथ पढ़ डालो, जितना भी लेवल होता है पूरा, कि जब स्थिति समान होगी
तो हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सके, इस बात को दिमाग में रखना लाइफ में। सर बहुत से लोग इसमें नेगेटिव होकर घर पर बैठेंगे, आधे लोग घूमने जाएंगे, आधे लोग सुस्त हो जाएंगे, कहीं घर पर जाके मौज मस्ती करें। और जो सिलेक्टेड और रिलेटेड बच्चे होते हैं, इस टाइम को, इस लॉकडाउन के पीरियड को आराम से इंजॉय करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, पूरा फोकस, अपनी जो कमजोरियां हैं हमें एग्जाम से पहले पूरी खत्म कर डालनी है, और मेहनत इतनी कर डालो कोई सा भी एग्जाम आए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए बच्चे चलता हूं दूसरा क्वेश्चन, टपाटप आपके आंसर आ जाइए। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यदि किसी टैंक का 3/4 भाग पानी भरा हुआ, जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, तो 3/4 भाग पानी भरा है तो कितना और बदल निकाल लिया जाता है, तो टंकी की धारिता, मतलब कुल टंकी कितने लीटर की है, बताइए चुन्नू मेरे मुन्नू। अरे कौन है भाई, इसको ब्लॉक करो, फालतू बात करता है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बच्चे, यार पढ़ाई करने आए हैं भैया, आप लोगों के लिए चिंता मत करो। संडे को जो एक क्लास लगेगी एलसीएम एससीएफ की क्लास, शानदार होने वाली है। 3 घंटे का बिल्कुल फ्री रखना टाइम, 3 घंटे का, और रेगुलर रहना उसमें, तो ही उसमें अटेंड करना। ये नहीं कि 1 घंटे बैठ के चले जाए, 3 घंटे अपने मोबाइल में रिचार्ज करा के बैठ जाओ कि 4 GB पर डे का रिचार्ज रखिए और उसका यूटिलाइज करिए, उसमें कंप्रोमाइज बिल्कुल मत करिए, ठीक है। आंसर आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अरे कोचिंग 2 दिन की लगी है भाई साहब, कोचिंग 2 दिन की तो है, ओनली शनिवार संडे, तो शनिवार संडे का लॉकडाउन है उसी में तो है, और तो कोचिंग खुली है 2 दिन का बता रहा हूँ, 2 दिन भी आपने खराब नहीं करना अपने लाइफ के भाई साहब, आधे लोगों के मन में अफवाह हुई। आइए आंसर आने शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, आंसर आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल तरीके से आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सर जी, थैंक यू, बिल्कुल। यदि किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ, एक बात बता, ये टंकी है भैया आपकी, ये कितनी है आपकी टंकी है भाई साहब, ये आपकी टंकी है 3/4 भाग टंकी का पानी से भरा है, 3/4 भाग टंकी से पानी से भरा है, तो कुल टंकी कितने लीटर की होगी, 4 की, भरा हुआ कितना है उसमें से 3, तो निकाला हुआ कितना होगा, भरा हुआ कितना है गुरु, भरा हुआ पानी कितना है 3, भरा हुआ पानी कितना है गुरु 3, टोटल कितने की होगी, 4 यूनिट की होगी, तो भैया निकाला हुआ पानी कितना होगा, भैया टोटल 4 की थी, 3 भरा है, निकाला हुआ कितना होगा 1 यूनिट, निकाला हुआ कितना होगा 1 यूनिट होगा, और आपसे कह रहा है क्वेश्चन में निकाला कितना है उसमें से 30 लीटर पानी, तो 1 यूनिट की वैल्यू गुरु कितनी होगी 30 लीटर के बराबर, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर के बराबर है, टंकी की धारिता मतलब पूरी कैपेसिटी कितनी की, पूरी कितनी की है 4 की, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 × 30 बराबर 120, आंसर होगा 120 लीटर, ऑप्शन इसके गलत दिए हैं, मुझे देखना था बच्चे कैसे निकालते हैं, ऑप्शन इसके गलत हैं और आंसर भी आप लोगों ने निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। आइए सर, किसी को दिक्कत है, सुधा जी शर्मा आइए सर, किसी को दिक्कत है सर, संडे को अग्रवाल सर को भी क्लास लेने को बोल दो, हम कैसे बोल सकते हैं बताइए, किसी को कैसे बोल सकते हैं बताइए, किसी के जीवन में हम क्यों इंटरफेयर करें। आइए सर, 1 यूनिट बराबर 30 है, आंसर आ गया सर, गई भैंस पानी में। आइए क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है सर, सर जी थ्योरी करवा दो, थ्योरी हम तो ना पढ़ाते हैं भाई, हम तो मैथ पढ़ाते हैं, राजा चुन्नू मुन्नू। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा कहीं भी कोई। वंस मोर अशोक का कहना है, वंस मोर भैया, यदि किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा है, 3/4 भाग का मतलब 4 अगर टोटल है 3 कौन सा होगा भरा हुआ, 4 यूनिट अगर टोटल है 3 भरा हुआ, तो निकाला कितना होगा 1 यूनिट, निकाला कितना है उसमें से 30 लीटर पानी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 30 लीटर के बराबर, टोटल कितनी है 4 की कितनी होगी 120, यही हमारा आंसर होगा, बोलो बात क्लियर है सर जी। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आपसे पूछें 2+2 4 होते हैं कितना होगा, आप ऑप्शन की गलत करोगे, आपका कंसेप्ट इतना मजबूत होना चाहिए कि सर ऑप्शन तो गलत नहीं है, आपने किसी ने बोला क्या, यदि 1 मिनट में 3/5 भाग टंकी का भरा है, सारे क्वेश्चन
किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो बताइए। और तीनों के क्वेश्चन देखिए एक ही तरह का लगता है, लेकिन तीनों के वैरायटी अलग हैं। ये नहीं है कि सर एक वैरायटी क्वेश्चन लेके आए उसी पर आपको फुल प्रैक्टिस करो, तो रटाना हो गया ना सर। मुझे आपके माइंड को शार्प करना है, सोचने की क्षमता बढ़ानी है, तभी तो आपका औरों से दिमाग माइंड तेज होगा। ये थो ना कि एक क्वेश्चन ऐसे ही सेम टू सेम वही करा दें, फिर एक और क्वेश्चन ऐसे ही और बच्चे खुश हो जाए अरे हमको तो आने लगा। सर आप देखिए, बुक उठा के देख लो, पेपर उठा के देख लो, क्या एक से क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं ना, आपको अपना माइंड शार्प करना है, कंसेप्ट मजबूत करना है। कंसेप्ट पर जितना आप फोकस करोगे, काम करोगे, क्वेश्चन कैसा भी नया आ जाए नहीं दिक्कत आएगी। आप रटना शुरू करोगे, ट्वेल्थ का एग्जाम थोड़ा देने जा रहे, आप एक कॉम्पिटिशन का एग्जाम देने जा रहे हो, उस बात को समझो। सर आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक मिनट में 3/5 भाग टंकी का भरा जाता है, इसका मतलब टंकी कितने लीटर की है? 5 यूनिट की है। और तो बाकी को भरने में कितना समय लगेगा? भैया पहले बात तो 3/5 का मतलब कितना होगा? 3/5 का मतलब टंकी कुल कितने की होगी? 5 यूनिट की होगी, 5 की होगी। आपसे कह रहा है भरा जाता है, तो ये कौन सा है? भरने वाला। 5 यूनिट भरा जाता है, ये 3 यूनिट भरा हुआ था। तो एक मिनट में गुरु कितने सेकंड होते हैं? तो आपको महोदय चुन्नू मेरे मुन्नू, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो एक मिनट में गुरु आपके 60 सेकंड होते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये चीज क्लियर है? एक मिनट में 60 सेकंड, इसका मतलब आपसे कह रहा है यदि एक टंकी 3/5 भाग टंकी में भरा जाता है एक मिनट में, तो भैया तीन यूनिट को भरने में कितना समय लगता है? 60 सेकंड का। इसका मतलब आप कह सकते हो गुरु 3 यूनिट को भरने में 60 सेकंड का समय लगता है। तो एक यूनिट को भरने में कितना लगेगा? 60/3, 3 से भाग देंगे तो 20 सेकंड का समय लगता है। आपसे कह रहा है बताइए बाकी को भरने में कितना लगेगा? 5 में से 3 भर चुका है तो बाकी कितना बचा होगा? 2। बाकी कितना होगा? 2। 5 में से 3 भरा हुआ है, बाकी कितना होगा? 2। तो 2 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा? तो 1 यूनिट को भरने में 20 सेकंड, तो 2 यूनिट को भरने में कितना होगा? 20 × 2 मतलब 40 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बोलो कहीं कोई दिक्कत हो मेरे बाबू सोना बेबी, बताइए कहीं की दिक्कत हो, बताइए किसी का कोई डाउट हो तो बताएं। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी लोग जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल को गुरु सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो चला लाइक शेयर जरूर करिए। सर इंस्टाग्राम की आईडी क्या है? हम इंस्टाग्राम नहीं चलाते सर, अपन देसी आदमी है, बड़ी मुश्किल से फेसबुक चला पाते हैं बस। चलो हमारे चतुर भैया की चाय आ गई है, बड़ी शानदार चाय है, शानदार चाय, आपको भी छींटे मार देंगे, पी लेना कभी आओ तो हमारे चतुर भैया की चाय जरूर पुना ओरिएंटल के सामने, बड़ी शानदार चाय पिलाते हैं। बिल्कुल आइए, जियो जैसा काम कर रखा है, बिल्कुल कम रेट पर शानदार चाय है, आइए। क्वेश्चन नंबर 4, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लगा दिया सर जी, आपको कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय नहीं मिल रही क्या सर? अरे मिल रही है भाई साहब, हमारे चाय को उस भैया ने चाय भेज दी है तुरंत ही बना के, इलायची वाली, 3-4 फ्लेवर आए। कौन सा फ्लेवर लेके आए हो? अदरक लाओ जल्दी दो भैया, रख दी चाय, वाह वाह वाह। आइए सर, चाय पियोगे आप लोग? लो भैया आप लोगों को भी चाय पिला देते हैं, 2-4 छींटे डाल दिए, चाय पी लीजिए। आइए सर क्वेश्चन कराएं, सर धमाकेदार, सर हमें भी चाय पीनी, हमने डाल तो दी चाय, बिल्कुल पी लीजिए, ठीक है। आइए, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप, एक ए है और एक हमारा बी है, ये टंकी को गुरु 20 मिनट में भर सकते हैं और ये 30 मिनट में भर सकते हैं। तो भैया आदरणीय चुन्नू मेरे मुन्नू, 20 और 30 से कटने वाली संख्या कितनी होती है? तो 20 और 30 से कटने वाली संख्या भाई साहब 60 होती है, 20 और 30 से कटने वाली संख्या 60 होती है। तो टंकी कितने लीटर की होगी? तो 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है, तो टंकी कितने लीटर की है गुरु? 60 लीटर की, 60 लीटर की टंकी। भाई साहब मुझे बताइए, 60 लीटर की टंकी है, 20 मिनट में भरा, 20 से बाद कितना आएगा? तो आपका इसकी क्षमता आ जाएगी 3 लीटर प्रति मिनट, 30 से बाद देंगे कितना आ जाएगा?
दो लीटर प्रति मिनट। तो ए की क्षमता दो तीन लीटर प्रति मिनट पानी देने की है, बी की कितनी है दो लीटर प्रति मिनट पानी देने की है। आपसे कह रहा है दोनों नल, तो इसका मतलब गुरु ए प्लस बी कितना करेगा, तीन और दो पाँच लीटर प्रति मिनट। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। तो बी ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, पाँच लीटर प्रति मिनट पानी भरने की है। तो टोटल टंकी 60 लीटर की, आपसे कह रहा दोनों नल चालू कर दिया जाए तो कितने समय में भरेगी, पाँच से गुरु भाग दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 12 मिनट। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को? और जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल को गुरु सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। देवेंद्र बघेल ब्लॉक हो रहा है क्या तुमको? ठीक है राधे भाई जा रहे हो, मेरे को सोल्जर लग रहे हो, जाओ जाओ। आइए सर, घना सरल था सर जी, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सार ठंडी हो गई नहीं हुई है भैया, कोई डाउट तो नहीं है, आगे करें, मिनट आएगा घंटे नहीं आएंगे भाई साहब। बिल्कुल नहीं करेंगे भाई साहब, पीडीएफ इकट्ठा डल पाएगा, तीन चार दिन का इकट्ठा डलवा देंगे पीडीएफ, चिंतित ना हो। आज खत्म हो जाएगा नहीं होगा, कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म करना हो तो भाई साहब एक दिन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खत्म करने में क्वेश्चन ही मत कराओ बच्चों को, बच्चों को छोटे छोटे लॉलीपॉप क्वेश्चन करा दो खत्म कर दो, वो भी हमको आता है। लेकिन बट हमें एग्जाम के हिसाब से एक स्टेप आगे का करा देता हूँ, कैसा भी एग्जाम आएगा आपको दिक्कत नहीं होगा सर। ठीक है, और ये लोग मुझे प्लीज़ जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो मुझे ऐसे बच्चे कमेंट करके बताएं जो SSC CHSL CGL वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको इससे हाई लेवल के कंटेंट की ज़रूरत है पढ़ने की। तो अगर आपका विचार है कि सर हमें हाई लेवल क्वेश्चन एग्ज़ाम के हिसाब से SSC जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी CHSL MTS वगैरह और CGL वगैरह होते हैं, और आप लोग इच्छुक हो उस चीज़ को पढ़ने के लिए, तो मुझे जब ही नहीं वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे, अगर रिप्लाई अच्छा रहा तो हम आप लोगों के लिए CHSL लेवल के एक क्लास अलग से स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आपको एडवांस मैथ जो आता है वो कराएंगे। तो उसमें पूरा पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल नीचे से लेके पूरे हाई लेवल तक कराया जाएगा। उसमें फ़ायदा आपको ये होगा, आपको फ़ायदा ये रहेगा कि सर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि आप नीचे से लेके पूरे हाई लेवल तक, मतलब शून्य से शिखर तक आपको तैयारी करा दी जाएगी। लेकिन आप लोग पहले अगर इंटरेस्टेड हो तो ही हमें बाद में जब वीडियो हमारा ख़त्म हो जाता है उसमें कमेंट करके बताएं कि सर हम लोग इंटरेस्टेड हैं, हमको पूरा हाई लेवल तक पढ़ना है सारी चीज़ें। अभी नहीं, पेपर जब हमारा वीडियो ख़त्म होता है उसके बाद कमेंट करके बताएं कि सर हमें CHSL जैसे भी एग्ज़ाम आ रहा है, उसका CGL आ रहा है, उसकी अगर आपको चीज़ें पढ़नी है तो बिल्कुल। अब वो अलग से नहीं आती कि रॉकेट साइंस हो, जैसे 20 क्वेश्चन इसमें कराते हैं तो उसमें 35 क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें यही क्वेश्चन के थोड़े थोड़े स्टेप आगे बढ़ जाते हैं बस। तो वो चीज़ें कभी करी जाएंगी जब आप लोग बोलोगे इंटरेस्टेड है, हमें वही बच्चे चाहिए जो पढ़ने वाले हों, फिर आपके लिए हम बढ़िया सा कंटेंट ऐसा लाएंगे, धनाकेदार क्वेश्चन बिल्कुल कतई जहर मिलेंगे आपको। एक नल किसी टंकी को दूसरे नल से 30 मिनट में ज़्यादा खाली कर सकता है, दी दोनों नलों को एक हाँ सॉरी एक नल किसी टंकी को एक घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है, दोनों नलों को एक साथ चला दिया तो टंकी कितने समय खाली। सिंपल क्वेश्चन था, एक घंटे में भैया कितने मिनट होते हैं, भाई 60 मिनट होते हैं, और दूसरा नल उसे कितने मिनट में खाली कर रहा है, आपसे कह रहा है 30 मिनट में खाली कर रहा है। 60 और 30 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, 60। टंकी कितने लीटर की है, 60। 60 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 1 लीटर प्रति मिनट। 30 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 लीटर प्रति मिनट। तो टंकी की क्षमता आ गई, ये 1 लीटर पानी प्रति मिनट पानी खाली करता है, ये 2 लीटर प्रति मिनट पानी खाली करता है। अगर हम दोनों नलों को चला दें गुरु, दोनों नलों को चला दें तो दोनों नल मिलकर कितना पानी खाली करते हैं, तो आपका जवाब होगा 3 लीटर प्रति मिनट, 3 लीटर प्रति मिनट पानी खाली करते हैं। तो भैया तो आपसे कह रहा टंकी को कितने समय, 30 लीटर टंकी है, ये 3 3 से भाग देंगे गुरु, आंसर आपका आएगा 20 मिनट। बोलो
बात क्लियर है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी है। किसी को कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए सर। आरती जी, तपन जी, बिल्कुल हम उसी की तो कह रहे हैं, वो तो शाम की क्लास आप लोगों ने खराब करी थी, हमने नहीं करी थी, हम तो पढ़ा रहे थे ईमानदारी से। बिल्कुल कहीं भी कोई कमी हो तो बताना आप, क्या अलजेब्रा में इतना, हमने तो ओनली उसका 10% ही तो पढ़ाया था, उसमें पूरी चीज़ अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह सारी चीज़ें पढ़ानी थी, लेकिन आप लोगों ने प्रॉब्लम कर दी थी सर। ठीक है, तो अभी नहीं, ये सारी चीज़ें आप हमें बताना, आप लोगों के लिए सीजीएल सीएचएसएल बढ़िया लेवल का कंटेंट उसमें मिलेगा अपडेट। तो जो हम चाह रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं इस डर के मारे उनके बेचारे पेरेंट्स नहीं भेज पा रहे हैं वहाँ पर कि सर जाइए अब दूसरे सर में पढ़ने के लिए, तो घर बैठ के भी आपको कंटेंट है। अगर 2 दिन की छुट्टी हो रही है, 2 दिन की छुट्टी में भी आप क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं, नया कंटेंट अपने आप को अपडेट करते जाइए, वो सारी चीज़ें करा देंगे। ठीक है, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर छः। एक नल 30 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है, दूसरा नल 35 मिनट में खाली कर सकता है, तो बताइए दोनों लोग एक साथ। भैया सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। एक एक दो दो क्वेश्चन पर सर प्रैक्टिस के लिए डाल दिए गए हैं। ये एक 30 मिनट में खाली, क्वेश्चन में कह रहा है 30 मिनट में खाली करता है, दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली करता है। बताइए बच्चे 345 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है? 345 से कटने वाली संख्या गुरु आपको पता होना चाहिए 90 होती है। हमने मान लिया टंकी 90 लीटर की, आप 900 मान लो कोई दिक्कत नहीं है, 90 लीटर की है, 30 से भाग देंगे तो आपका जवाब होगा 3 लीटर प्रति मिनट पानी खाली करता है, 45 से भाग देंगे 2 लीटर प्रति मिनट पानी खाली करता है। तो भैया बताइए दोनों नल अगर चालू कर दिए जाएं, तीनों दो मतलब 5 लीटर पानी क्या होगा प्रति मिनट खाली होगा, खाली करने वाला है इसलिए हमने माइनस से डिनोट कर दिया है। ठीक है, अब आपसे कह रहा दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में, 90 लीटर टंकी है, 5 से भाग देंगे, 5 × 5 = 5, 5 = 48, 18 मिनट आपका आंसर होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, बहुत अच्छी बात, सभी के आंसर टपाटप आ रहे हैं। और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को गुरु सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दिया करो, और जो बच्चे रिकॉर्डेड देते हैं उनसे रिक्वेस्ट है बाद में कमेंट करके आप लोग नहीं बताते, बता दिया करो। ये बढ़िया क्वेश्चन है, अभी कराते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। आइए पहले भी कराते हैं 7वां क्वेश्चन, पेशेंस रखिए करा देंगे सारे, आप लोगों के लिए लेके तो आए हैं, वो आप देख लीजिए। पहले हमने नल टंकी पढ़ाई थी, उसमें और इसमें अंतर मिलेगा आपको, नया कंटेंट अपडेट मिलता रहेगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर कितना होगा, यदि किसी एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भरता है, दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली करता है। दोनों आ गए, अब दोनों आ रहे हैं, पहले दोनों भरने वाले थे अब दोनों खाने वाले हैं सर। अरे ट्रेन मैंने करा दी है ऋषभ भाई, आप देखिए 5 वीडियो डाले हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे 3 फोल्डर बने हैं, एक अर्थमेटिक का, एक एडवांस का, एक मैथ स्पेशल का, उसमें संडे मैराथन वाला है, तीनों में देखिए। आप देखिए जो अर्थमेटिक वाला है उसमें ट्रेन डली है कम से कम 5 वीडियो, बहुत अच्छी तरीके से डली है, आप एक बार जाके देखो तो जाके एक बार। आइए सर आंसर 20 घंटे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात, टपाटप सबके आंसर। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भरता है और टंकी को दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है, यदि टंकी पूर्णता भरी हुई है और दोनों को पूर्णता खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? 2 दिन का लॉकडाउन तो है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, चिंतित मत होइए, 2 दिन का लॉकडाउन है, इसमें भी आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, अपने आप पर नेगेटिव नहीं होना, पढ़ाई करो मजेदार, समय खराब नहीं करना है बस। हो गया ऋषभ भाई, हमने बहुत पहले पढ़ा दिया, इस बार देख लेना, एक बार इसमें भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सर, एक किसी टैंक को पानी से भरता है तो ये जो नल है टंकी को 5 घंटे में भरता है, कितने घंटे में? 5 घंटे में, दूसरा पाइप भरने वाला है इसलिए हम इसको प्लस से, दूसरा नल जो बी है टंकी को 4 घंटे में खाली करता है, तो 5 और 4 से कटने वाली कोई संख्या पूछेगा तो वो कितनी होती है गुरु? 20 लीटर। टंकी कितने की है? 20 लीटर की, 5 से भाग देंगे तो आपका जवाब होगा 4 लीटर पर आवर, 4 से भाग देंगे तो 4 × 5 = 20, 5 लीटर पर आवर। अब बताइए सर, क्वेश्चन में कह रहा है यदि पूर्णतः टंकी भरी हुई है, ठीक है टंकी पूर्णतः भरी हुई है, इसका मतलब टंकी में पानी कितना भरा है? 20 लीटर, पूर्णतः भरी हुई है, यदि दोनों नलों को खोल दिया जाए। भैया दोनों नलों को अगर खोल दोगे तो ए प्लस बी, ये माइनस आएगा, ए प्लस बी, तो 4 भरेगा 5 खाली, इसका मतलब 1 लीटर पानी जो भरा हुआ है उसमें से गायब होगा, निकलेगा,
तो 1 लीटर पर आवर जा रहा है, तो दोनों को जाने पर 1 लीटर पर आवर जा रहा है, तो 20 लीटर पानी खाली करने में कितने घंटे का समय लगेगा? 20। ऑप्शन नंबर बी होगा। बोलो गुरु, समझ में आया कि नहीं आया? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए सर। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है दोनों पाइप खोल दो, टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? भरना होगा भाई साहब, भरना कहां से होगा भाई साहब, मुझे बता दीजिए आप। खाली हो जाएगी वही तो है, कहां से बता रहे हो आप, बताइए सर। कहां गए भाई साहब, मैं डिलीट कर दिया क्या मैसेज? दीपक तिवारी जी, खाली होगी भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो आप लोग? आइए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को गुरु सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। सर पंखा चालू करवा दो, गर्मी हो रही है, किसको गर्मी हो रही है? आइए सर आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदरणीय चुन्नू, मेरे मुन्नू, चलो प्रीवियस क्वेश्चन कब करवाओगे? करवा देंगे भाई साहब, पहले चैप्टर तो कर लो, आधा कोर्स तो कर लो, करवा देंगे भाई साहब, चिंतित मत हो आप। जो टॉपिक हो रहे हैं प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, अगर आपको दिक्कत है तो मेरे से कहना कि सर आप ये वाले टाइप नहीं हो रहे हैं, सर आपको उससे ज्यादा ही कराया, कम नहीं कराया, जल्दी सजाइए इसका आंसर। टपाटप सबके आंसर चाहिए अब, जिनके गलती हो रहे थे अब आंसर आने चाहिए जल्दी से। यदि एक नल किसी टंकी को पानी से भरता है, एक नल अन्य नल 60 मिनट में खाली करता है, तो जल्दी बताएं कितना आंसर आएगा टपाटप। ऑप्शन नंबर डी कितना है? 2 घंटे। ऑप्शन डी है 2 घंटे, मैं लिख देता हूं। ऑप्शन जो डी है वो कितना है? ऑप्शन जो डी है वो आपका है 2 घंटे। कितना है? 2 घंटे है सर। देखिए महोदय आंसर बता दीजिए। एक नल किसी टंकी को, जल्दी बताइए सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सर ये लोगो हटा दो भैया, बच्चे कह रहे हैं लोगो हटा दो। धमाकेदार ऑफर है भैया, 50% का छूट है, हट नहीं रहा है। सुनील भैया हमारे नए नए आए हैं, अच्छा मत हटाओ फिर, सिस्टम ही बंद हो जाएगा। थोड़ी बड़े परेशानी है, अभी हमारे संतोष भाई गए हैं शादी में, अपनी शादी में नहीं मतलब किसी दूसरे की शादी में, और हमारे ये डॉन साहब हैं, ये थोड़ा पता नहीं कुछ हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए, रिस्टार्ट कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल आएगा, उसको हटाएंगे तो क्लास बंद हो जाएगी, इसलिए हम एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन को पेपर मोबाइल को ऐसा कर लो ना, ऐसा ना करके ऐसा कर लो, आपको पूरा दिखेगा, आंसर भी आ गए बहुत बच्चों को, बहुत अच्छी बात है सर जी। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी एक नल किसी टंकी को पानी से 40 मिनट में भरता है, दूसरा नल 60 मिनट में खाली करता है, तो दोनों नलों को खोल दिया जाए तब खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा? चुन्नू मुन्नू आओ भैया हम कराते हैं। एक नल ए है, ये 40 मिनट में टंकी को, सर 40 मिनट में टंकी को भरता है। नल बी आपसे क्वेश्चन में कह रहा है सर 60 मिनट में टंकी को, ये 60 मिनट में टंकी को खाली करता है, ये भरने वाला प्लस खाली करने वाला माइनस। तो भैया 40 और 60 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है? 40 और 60 से कटने वाली संख्या 120 मान ली हमने, कितनी है? 120। टंकी कितने लीटर की है? 120 लीटर की। 40 से भाग देंगे तो आप कहोगे 3 लीटर प्रति मिनट, 3 लीटर प्रति मिनट, और 60 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 2 लीटर प्रति मिनट, 2 लीटर प्रति मिनट। तो ए की क्षमता 3 लीटर प्रति मिनट है, बी की क्षमता 2 लीटर प्रति मिनट पानी खाली करने की है, तो भैया इसमें टंकी आएगी भरने की, ध्यान रखना तिवारी जी। अब आप कहोगे ए प्लस बी दोनों नल अगर चालू कर दिए जाएं तो 3 भरेगा 2 खाली होगा, इसका मतलब 1 लीटर पर मिनट टंकी के अंदर पानी भरेगा, 1 लीटर पर मिनट टंकी के अंदर पानी भरेगा। टंकी की कैपेसिटी गुरु कितनी है? 120 लीटर की है, 120 लीटर, ये 1 लीटर पर मिनट पानी खाली, सॉरी 1 लीटर पर मिनट पानी भरता है, तो टंकी भरने में कितना मिनट का समय लगेगा? तो आपका जवाब होगा 120 मिनट का समय लगेगा, लेकिन ऑप्शन में जो आंसर है घंटे में, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 120 मिनट मतलब कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर 2 आवर्स। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, कहीं की दिक्कत हो तो बताइए। इससे पहले वाले में खाली हो रहा था, इसमें भर रहा है सर जी। सर 20 कैसे आया, 120 कैसे आया? अरे महाराज 40 और 60 से कटने वाली संख्या ले लो, 40 से भी कटे 60 से भी कटे, दोनों से कटने वाली संख्या ले लो।
ठीक है। बताइए सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की सर जी रिपीट कर दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं। एक नल है जिसमें से 40 मिनट में टंकी को भरता है, तो प्लस से करा। एक दूसरा नल है 60 मिनट में खाली करता है, ठीक है भैया। 40 और 60 से कटने वाली संख्या होती है 120 लीटर। 120 लीटर की टंकी 40 मिनट में भरता है, 40 से भाग देंगे कितना आएगा 3 लीटर प्रति मिनट, 60 से भाग देंगे तो 2 लीटर प्रति मिनट पानी खाली करता है। भरने वाला प्लस, खाली करने वाला माइनस, तो भैया ए प्लस बी है। तो भैया तीन में से दो गए, आप कहोगे दोनों नल चालू कर दिया तो 1 लीटर प्रति मिनट पानी भरेगा। टंकी कितने लीटर की? 120 लीटर की है, तो 1 लीटर प्रति मिनट पानी भर रहा है, तो कितना समय लगेगा 120 लीटर भरने में? 120 मिनट का समय। 120 मिनट मतलब होता है 2 घंटे। हाँ जी, संडे को करा देंगे सर, टफ क्वेश्चन पूछिए भाई साहब। तुलसन जी धीरे धीरे बढ़ेंगे, एकदम नहीं है कि टफ टफ क्वेश्चन कराते जाएं, बच्चों को डराते जाएं, आराम से कराएंगे, चिंतित मत होइए सर। आइए सर, धीरे धीरे बढ़ेंगे भाई साहब, थोड़ा ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि एकदम। डी ऑप्शन 14 है, डी ऑप्शन 14 है, धीरे धीरे सारी चीज़ें करवा दूंगा। डी ऑप्शन 14 है, डी ऑप्शन जो है वो 14 घंटे है। आइए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा, एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है, अन्य नल आधी टंकी को, याद रखें, 10 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ चला दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना, खाली टंकी के आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा? अरे भाई साहब कुछ टेक्निकल इश्यू है इसलिए वो नहीं हट रहा है, अगर हटेगी तो क्लास बंद हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट करिए सर, मैं आपको जानता ही नहीं। अरे भाई साहब कहाँ लिख रहे हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे भैया पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को गुरु सब्सक्राइब करते जाइए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, आपके दोस्त जो भी हैं, बाबू सोना बेबी जो भी हैं, सबको शेयर कर दिया करो, और फेसबुक पे अपने लिंक को शेयर जरूर करें सर। और जो रिकॉर्डेड देते हैं उनसे रिक्वेस्ट है भैया कमेंट करके जरूर बता दिया करो आपको वीडियो कैसा लगा है। थैंक्स सर जी, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। दांगी साहब टेंशन ना लो, आपको हाई लेवल भी क्वेश्चन करा देंगे सर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ रहा है 15 15 15 15 सर, 15 15 15 15 15 15। बताइए आंसर ये आ रहा है, 15 आ रहा है सभी का, लगभग सभी लोगों के 15 15 आंसर आ रहे हैं, तो 15 हो सकता है। चलो हम क्वेश्चन को कराते हैं, एक एक स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहली स्टेप, एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है, नल ए जो है टंकी को 12 घंटे में भरता है, कितने घंटे में? 12 घंटे में भरता है, तो ये प्लस का साइन है। तथा अन्य नल आधी टंकी, भैया ये कंपेयर कर रहे हैं हम पूरी टंकी, और ये आधी टंकी की बात कर रहे हैं, तो उसको पूरा लेना पड़ेगा सर। अन्य नल आधी टंकी को 10 मिनट में खाली करता है, सर आधी टंकी को अगर 10 मिनट में खाली करता तो पूरी टंकी कितने में खाली करेगा? 20 मिनट में। अगर आधी टंकी 10 मिनट में खाली कर रहा है तो पूरी टंकी कितने मिनट में खाली करेगा? 20 मिनट में। तो पूरी टंकी कितने मिनट में खाली करेगा? तो पूरी टंकी 20 सॉरी मिनट घंटे 20 घंटे में खाली करेगा, क्योंकि आधी टंकी को 10 घंटे में खाली कर रहा है तो पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली करेगा। बोलो बच्चे खींच क्लियर है? अब बताइए महोदय, 12 और 20 से कटने वाली संख्या, या 12 या 20 से कटने वाली संख्या कोई सी भी ले लो, या बड़ी ले लो, बड़ी लेंगे सर, अच्छा छोटी ले लो, एलसीएम निकाल लो। 12 20 से कटने संख्या कौन सी होती है? 60। कौन सी होती है? 60। हम मानेंगे टंकी कितने लीटर की है? टंकी हमारी है 60 लीटर की टंकी है, 60 लीटर की टंकी हो गई, हमने 12 और 30 से कटने 20 से कटने वाली संख्या मान ली 60 है, टंकी 60 लीटर की है। महोदय मुझे बताइए सर, बताइए सर, 12 से अगर इसमें भाग दूंगा तो आप कहोगे कितने की हो जाएगी? 5 लीटर पर आवर। 20 से भाग देंगे तो आप कहोगे 3 लीटर पर आवर, ये चीज क्लियर है? तो आप कहोगे सर इसकी क्षमता 5 लीटर पर आवर है, इसकी क्षमता 3 लीटर पर आवर है। मैं कहूँ दोनों नलों को अगर एक साथ चालू कर दिया जाए तो आप कहोगे 5 में से 3 गए तो आपका जवाब होगा 2 लीटर पर अवर टंकी के अंदर पानी आएगा। अब यहां से फिर से परेशानी शुरू होती है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है खाली टंकी के आधे भाग को,
टंकी कितने की है, 60 की है, आधे भाग मतलब कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 लीटर पानी भरना है क्योंकि आधा भाग बोला है, एक घंटे में कितना जाता है, दो, दो से काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 15 अबर। आंसर लगभग सभी लोगों के आ गए थे, बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि क्वेश्चन में दो तीन कंडीशन मिला दी गई थी। क्लियर है, 15 ही होगा, बिल्कुल सर जी। किसी को कहीं दिक्कत हो तो बताइए प्लीज़ कमेंट करके, कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़ा जाए आदरणीय चुन्नू मेरे मुन्नू। आगे देखा जाए, हो सकता नहीं है, होगा डावर साहब, होगा 8 नहीं 10 है सर, हमने कब बोला 8 है, 15 आंसर आएगा सर, आधे भाग को निकालना था, टंकी पूरी 60 लीटर की है भैया, इधर बोला है साफ साफ आधे भाग को, 60 का आधा कितना होगा गुरु, 30 होगा भाई साहब, क्लियर है। आइए चचा चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, एक टंकी में दो पाइप लगे हुए हैं। अरे भाई साहब चिंता मत करिए, इसमें जो बच्चे कह रहे हैं कि सर बड़े बड़े क्वेश्चन कराइए, आइए सर आपको दिखा देता हूँ जो गैलन मेलन वाले सारे क्वेश्चन आते हैं, खतरु मतरु शत्रु सब करा दूंगा। देखिए सर लास्ट क्वेश्चन थोड़ा दिखा देता हूँ, आप देखिए सर ये तीन तीन ऐसे क्वेश्चन भी इसमें डाले गए हैं, तो आप ये चिंतित ना हो कि सर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, सारे लेवल डाले हैं। देखिए सर ये वाले क्वेश्चन भी हैं, धीमी गति वाले, नए पैटर्न के गैलन वाले, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए सर, गैलन प्रति मिनट, तो अच्छे क्वेश्चन भी डाले हैं, बूद प्रति सेकंड, जो 20 के बाद जो क्वेश्चन डले हैं अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर फिर भी आपका हो तो चिंता मत करो, बोला तो है आपसे कि भाई साहब आप लोग जब वीडियो खत्म हो जाए तो हमें बताएं कि सर हमें सीजल लेवल तक का मैथ सीखना है, तो आप लोग कमेंट करिए सर, आप लोग इकट्ठे अगर साथ साथ रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो सीजल लेवल का भी एक मैथ चालू कर दूंगा आपके लिए, सीएचएसएल सीजल, जिसमें एक हाई लेवल तक के क्वेश्चन करा रहे हैं, तो बेसिक तो चल ही रहा है, उस पर एक इमारत और खड़ी कर देंगे अच्छे कंटेंट की, तो आप बेफिक्र रहिए सर, सत्यादी शर्मा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है सर, ये नहीं है कि सर आपके साथ कोई चीटिंग की जाएगी, बस आप लोग पढ़िए, हमारा उद्देश्य है आपको पढ़ाना, आप पढ़ते जाइए। देखिए सर ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 11, आइए सर यहाँ से क्वेश्चन, एक टंकी में दो पाइप लगे हुए, ऑप्शन डी बताता हूँ 11 है, ऑप्शन डी 11 है, एक टंकी में दो पाइप लगे हुए हैं, पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में पानी से भरता है, दूसरा जो पाइप है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा जो पाइप है 5 घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए तो पहले से 3/4 भाग पानी से भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करें, सिंपल क्वेश्चन है, 11वें क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग जल्दी से सर। कह तो दिया है वीडियो खत्म होने के बाद, बाद में कमेंट करें तो उसमें आप लोगों का जितना अच्छा रिस्पांस होगा हम जल्दी ही उसकी चीजें आपके लिए ला देंगे, ठीक है। देखिए बच्चे आपको अगर कह रहे हैं, जो बच्चे कह रहे हैं कि सांप नहीं दिख रहा है, सांप दिख तो रहा है भाई साहब, चश्मा लगवा लीजिए, आधे लोगों के जब आंसर आ रहे हैं आपको सांप ही नहीं दिख रहा, बस आप बहाने सिचुएशन को समझिए यार, थोड़ी कोई दिक्कत हो ना, अगर बीच में थोड़ी लाइन आ गई तो मोबाइल को सीधा कर लीजिए, आप थोड़ा कवर कवर मोबाइल को बगल में ला के देख लीजिए, नहीं हो तो ऐसे लगा के देख लो, अपने आप दिखने लगेगा, मन की आंखों से देखो, थोड़ा इंटरेस्ट तो जगाओ, बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है, अगर हम सीधा भी देख रहे हैं ना तो साफ दिख रहा है, लेकिन भाई साहब क्या करें, तुम भी यार गजब है यार, गजब करते हो लड़कियों के, तो तुम्हारे भी नखरे कम नहीं होते, क्या बता दें भाई साहब, इतने नखरे हैं इनके, क्या बताएं सुनील भाई, आप कहते हैं बस कब कुछ बोलो नहीं, अब सही बता रहे भाई, इतने नखरे हैं सर, ऐसा कम है वैसा कम है, ये वही प्राणी होते हैं जो शादी में जाते हैं सर, वहाँ शादी में जाके बोलेंगे सब्जी में नमक कम था, तीखी कम थी, ऑयल ज़्यादा था, इसमें ये कमी थी, अबे भैया खा ले चुपचाप, अगर घर पे चक उससे बुरा खाते होंगे लेकिन वहाँ जाके पूरा आदेश जरूर देंगे, इसमें ये कर लो इसमें वो कम कर लो, तुम भी यार गजब करते हो यार। आंसर आने शुरू हो गए, बहुत अच्छी बात है, एक टंकी में दो पाइप लगे हुए हैं, पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप, सही कह रहे हैं भाई साहब, आप देख लेना सर घर पे, आपके घर पे भी लेडीज हैं, हमारे घर पे भी हैं सर, घर पे कोई काम करने वाली जो वर्कर आते हैं वो घर में अगर आपके बर्तन मांजते हैं तो तुरंत ही उसमें आप देख लेना, घर की लेडीज देखो इसमें ये गंदा रह गया है इसको सही करिए, कोई झाड़ू पोछा भी लगता है, इधर रह गया है इसको सर अच्छे करिए, मैं होती तो देखो चमका देती पूरा, अरे यार जो कर रहा है करने दो, करना तो करते ना खुद भी, खुद तो कुछ करेंगे नहीं,
तुम भी उन्हीं के जैसा, बिल्कुल सर ये छोटा दिख रहा है बड़ा दिख रहा है, भाई साहब आंखें खोलो दिख जाएगा। एक टंकी में दो पाइप लगे हैं चुन्नू मेरे मुन्नू, क्वेश्चन को देख। पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में भरता है, पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में भरता है, तो पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप टंकी को 5 घंटे में गुरु खाली करता है। ठीक है भैया, अब एक बात का जवाब दीजिए, 8 और 5 से कटने वाली संख्या होती है 40, आप 80 भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, तो टंकी कितने लीटर की है, 40 लीटर की टंकी, 8 से भाग देंगे तो आप कहोगे भरने वाला है तो प्लस 5 लीटर पर आवर, 5 से भाग देंगे तो 8 लीटर पर आवर, ये चीज क्लियर है। अब बताइए ये 8 लीटर पर आवर आ गया खाली करने वाला। बच्चे चुन्नू मेरे मुन्नू एक बात का जवाब दीजिए, आपसे कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो ए प्लस बी को खोल दिया जाए, भाई साहब 8 में से 5 गए 3 लीटर पर आवर, 3 लीटर पर आवर, और आगे क्वेश्चन में कह रहा है दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तो पहले से सर पहले से 3/4 भाग पानी से भरी हुई टंकी को, टंकी कितने लीटर की थी गुरु 40, उसका कह रहा है 3/4 भाग, 4 से काटेंगे भाई साहब 10, और 10 का × 30 में करें, 3 में करेंगे 30, इसका मतलब 30 लीटर पानी की बात कर रहा है। पहले से भरे 3/4 भाग मतलब 30 लीटर पानी जो भरा है उसको खाली करने में कितना समय लगेगा, दोनों नल चालू कर दें तो 3 लीटर पर आवर पानी खाली होता है, तो आंसर होगा 10 घंटे का समय लगेगा और ऑप्शन नंबर ए। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, कहीं कोई डाउट हो तो बता। सही कह रहे हैं भाई साहब, कभी आप जाना शॉपिंग करने बाबू सना बेबी के साथ, सर एक सूट लेना होता है इनको, बुरा मत माना देवियों, सही बता रहा हूँ सर, एक सूट लेना होता है सर, 10 दुकान पर जाएंगे, 10 दुकान पर जाकर एक सूट आता है, एक सूट के लिए कम से कम 5 घंटे खराब होते हैं, अगर साथ में बेचारा आदमी उसके साथ जाए लड़का, और ऊपर से भाई साहब तुरंत बार्गेनिंग, 10 रुपये कम कर लो, 20 रुपये कम कर लो, और लड़का कहे दे दो, तुम चुप रहो बहुत पैसे आ गए हैं, हाल कल डांट दिया जाता है। तो भाई साहब ये परम ज्ञान है, फ्री का ज्ञान है, लेके जाइए आपके लिए रहेगा सर। समझ में आ गया, हालांकि देवियां हमको बहुत मनी मन गालियां दे रही होंगी, सारी चीज बता देता है, सही बता रहा है मैडम, आप सुबह सुबह देख लो सर, आप तो सुबह सुबह देख लो, आप सब्जी लेने जाती हैं सर, सब्जी में 1 रुपये के धनिये के लिए पूरा महाभारत हो जाता है रोड पे, 1 रुपये का धनिया जब फ्री में घर में आता है, और जब तक घर में आके सारे ने देखा मेरे डर के मारे 1 रुपये का धनिया, 1 का धनिया फ्री में मिल गया, और जब तक घर पे महोदय पति देव ये ना कहते कि ना मोहतरमा जी आप ही के 1 रुपये के धनिया के पीछे पूरी जायदाद बनी है, सोचो 1 रुपये का धनिया फ्री में आता है पूरे साल में 365 दिन, मान लो 1 रुपये का फ्री में दे दिया 10 साल में कितना आएगा बताओ, 20 साल में कितना आएगा, 50 साल में कितना आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन नहीं साहब उसके लिए जब तक पूरा घर ये ना बोल दे कि ना ना आप सब्जी लेने नहीं जाते तो हम तो गरीब ही हो जाते। ठीक है सर आइए, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं अनुभव बोलता है बिल्कुल भाई साहब, आइए आगे क्वेश्चन में लिखते हैं, क्वेश्चन देखिए, एक इसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, बुरा मत मानना भैया क्षमा चाहते हैं लेकिन सत्य वचन है, एक इसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, बी उसी टंकी को 5 घंटे में भरता है, यदि दोनों नलों के साथ एक तीसरा नल सी भी चालू कर दिया जाए तो टंकी तीनों मिलकर उस टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं, तो बताइए तीसरा नल अकेला टंकी को कितने समय में भरेगा, जल्दी से सर बस करो, बिल्कुल जी बस कर रहे हैं, ठीक है आइए। अरे मैडम जी मैं सही बता रहा हूं, आइए सर एक इसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, भाई साहब इसमें हमारे घर की माता जी भी है, भाई माता जी सुबह जाती है ना, हम जब घर पर जाते तो कोई सब्जी नहीं लेता तुरंत ही, क्यों अरे 1-2 रुपये अगर उससे ज़्यादा दे भी दो तो क्या हो रहा है यार। ठीक है आप देख लो, शाम को पानी पूरी लेने जाएंगे, पानी पूरी पीने जाएंगे, वो कहेगा भाई साहब 10 रुपये की 5 है, तो कहेंगे भैया भैया तीखा बनाओ, तीखा वो बना देगा, लास्ट में एक चाहिए उनको फ्री, भैया मीठा दे दो मुंह जल रहा है, तो पहले तीखा क्यों बोला, फ्री में मिलता है ना इसलिए। आओ क्वेश्चन देखते हैं, एक किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, एक किसी टंकी को भाई साहब 20 घंटे में भरता है, दूसरा नल बी उसे 5 घंटे में भरता है, दूसरा जो नल है ना भाई साहब वो 5 घंटे में भरता है, कितने घंटे में भाई साहब 5 घंटे में भरता है, अब आपसे कह रहा है दोनों नलों के साथ एक तीसरा नल चालू कर दिया जाए, दोनों नलों के साथ तीसरा नल सी चालू कर रहे हैं तो भाई साहब तीनों नल मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने घंटे में भर दे रहे हैं, 2 घंटे में भर देते हैं भाई साहब, 2 घंटे में भर देते हैं, 20, 5, 2 से कटने वाली गुरु संख्या बता दो, 20, 5, 2 से कटने वाली संख्या कितनी होगी, तो 20, 5, 2 से कटने संख्या हमने 20 मान दी, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आएगा भाई साहब, अब एक बात का जवाब दीजिए, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो एलसीएम सॉरी
20 5 2 से कटने वाली संख्या कौन सी है 20, तो एलसीएम 20 आएगा। तो टंकी कितने है 20 लीटर की है, कितने की है 20 लीटर की है। तो भैया बताइए 20 लीटर टंकी 20 घंटे में भर रहा, तो एक घंटे में कितना भरता होगा, तो 20 से भाग दोगे चुन्नू मेरे मुन्नू, 1 लीटर पर अवर पानी भरता होगा। 5 से भाग देंगे तो भाई साहब 5 चौके 20, इसका मतलब 4 लीटर पर अवर पानी भरता है। 2 से भाग देंगे तो भैया 10 लीटर पर अवर पानी भरता है। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, इसका मतलब हमें पता चल गया 1 कितना भरता है 1 लीटर पर अवर, बी कितना भरता है 4 लीटर पर अवर, और तीनों मिलकर ए बी सी सर बॉयज की भी खास बातें बता दो, बता देंगे बॉयज की भी, ठीक है। लिखिए ए कितना है सर 1, बी कितना है सर 4, ए कितना है 1 लीटर पर अवर, बी कितना है 4 लीटर पर अवर। तो भैया 1 लीटर पर अवर इसकी क्षमता है 4 लीटर पर अवर, और भैया इन तीनों की क्षमता 10 लीटर है, तीनों की क्षमता 10 लीटर है, और ए की 1 है बी की 4 है, तो भैया चुन्नू मेरे मुन्नू बताइए सी की कितनी होगी, 5 लीटर होगी कि नहीं होगी। ए बी सी की टोटल 10 है, ए बी सी की टोटल 10 है, ए की 1 है बी की कितनी है 4 है, तो मुझे बताइए सी की कितनी होगी, भाई साहब 5 होगी, सी की कितनी होगी 5। तो आपसे कह रहा है सी अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा, 20 लीटर की टंकी है, सी 1 घंटे में कितना भरता है, 5 5 से भाग दे दे तेरा आंसर आ जाएगा 4। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं, ऑप्शन नंबर होगा इसमें दूसरा, बताइए क्लियर है कि नहीं सभी बच्चे चुन्नू मेरे मुन्नू, और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को गुरु सब्सक्राइब करते जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करते जाइए। सर जी बॉयज रॉयल होते हैं, सचिन रावत पढ़ाई पर ध्यान दो तुम रॉयल होते हो, तुम अलग बीच में हीरो बन गए। आइए सर क्वेश्चन कराएं आगे की ओर, बस बॉयज में यही तो है कि अपने आप को तुरंत सुपीरियर समझते हैं, बस इनसे कुछ होता जाता तो है नहीं है बस। आगे बढ़े भाई साहब, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सर। हाँ बिल्कुल भाई साहब, एक पुरुष अधिकार नियम तो होना ही चाहिए भाई साहब। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप, तो आइए आंसर देवियों नाराज मत हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्षमा चाहते हैं अगर बुरा लगा हो। आइए सर संदीप भैया नमस्कार, तिवारी जी आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे पूरे जुल्म तो आप पे ही ढह गए होंगे। आइए सर देवेंद्र भगल ब्लॉक हो जाओगे, अब पढ़ाई पर ध्यान दो, उतना ही ठीक है चलता है, थोड़ा बहुत ठीक है, मजाक मस्ती इसलिए कर देते हैं भाई साहब, माहौल बना रहे, पढ़ाई के साथ साथ आदमी को बोरिंग फील नहीं हो, कंटेंट भी पूरा मिल जाए। आज तो देखिए सर क्वेश्चन भी ज्यादा हो गए हैं। एक टंकी को 2 नल ए और बी उसे 3648 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों नलों को एक साथ चलाया जाता है तो कितने समय के बाद बी को बंद कर दिया जाए कि टंकी को भरने में कुल 27 मिनट का समय लगे। आइए सर क्वेश्चन करा देते हैं बिल्कुल भाई साहब, भैया आदरणीय वो हटा देते, हटेगा कि नहीं हटेगा, तो रहने दो 5 मिनट क्लास बची है। आइए सर बिल्कुल बात उसी में होती है खास, बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल आप बहुत खास हो आप लोग, तो भैया देवियां तो खास होती हैं। आइए सर देखते हैं, एक टंकी में 2 नल ए और बी उसे 3648 मिनट में भर सकते हैं, पहला नल उसे 36 मिनट में भर सकता है 36 मिनट में, दूसरा जो नल है बी उसे 48 मिनट में भर सकता है, पहला नल 36 मिनट में दूसरा 48 मिनट में भर सकता है, 3648 से कटने वाली संख्या 3648 का एलसीएम कितना होता है गुरु 144 होता है, कितना होता है 144, इसका मतलब टंकी कितने लीटर की है 144 लीटर की है, 144 लीटर की टंकी है गुरु, 144 लीटर टंकी को सर लीटर की टंकी है ये 36 मिनट में भरता है, इसका मतलब 36 से भाग देंगे तो 4 लीटर प्रति मिनट, 48 से भाग देंगे तो 48 × 3 लीटर प्रति मिनट, ये चीज क्लियर है। सर एक बात का जवाब दीजिए, ये इसकी क्षमता 4 लीटर प्रति मिनट है, इसकी 3 है सर। अगर मैं आपसे बोलूं यदि दोनों नलों को एक साथ, तो ए प्लस बी, अगर दोनों नल की बात कर रहा है तो ए प्लस बी गुरु कितना करेंगे, 4 और 3 कितने होते हैं सर 7 लीटर प्रति मिनट, 7 लीटर प्रति मिनट है, ये चीज क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए भैया।
अब इस बात का समझिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों नलों को एक साथ चलाया जाता है, कितने समय के बाद बी को बंद कर दिया जाए कि टंकी को भरने में कुल 27 मिनट का समय लगे। तो इस बात को समझिए महोदय मेरे कि सर टंकी को भरने में कुल 27 मिनट का समय लग रहा है, लेकिन शुरू से लेके अंत तक कितना समय लग रहा है, 27 मिनट का, और क्वेश्चन में कह रहा है बी को बंद कर दिया जाए। बी को बंद करने की बात हो रही, क्या ए को बंद करने की बात हो रही है? नहीं हो रही। इसका मतलब ए शुरू से लेके अंत तक चला होगा। अगर ए शुरू से लेके अंत तक चला है, शुरू से लेके अंत तक पानी भरने में कितना समय लगा है गुरु? 27 मिनट का। ये इसमें कह रहा है साफ साफ, शुरू से लेके अंत तक पानी को भरने में अगर 27 मिनट का समय लगा है और ए शुरू से लेके अंत तक चला है, इसका मतलब ए ने कितना पानी भरा होगा। तो ए एक बार में 4 लीटर पानी भरता है, 27 मिनट तक ये चला है, तो 27 चौके कितने होते हैं, 4 7 28 की 2 और 108 लीटर, कितने होते हैं 108। तो इसका मतलब टोटल में से जो 108 लीटर पानी है वो किसके द्वारा भरा होगा? ए के द्वारा भरा होगा। उसमें से कुछ पीरियड उसने बी के साथ में भी भरा था और कुछ पीरियड उसने अकेले भरा था। भैया प्लीज भाई साहब बातें ना करें, चीजों पे ध्यान दें। अब आपसे कह रहा है जो आप बताइए, अगर टोटल में से 108 लीटर पानी ए के द्वारा भरा गया जिसमें से उसने बी के साथ ही भरा और कुछ समय उसने अकेले भरा है, तो भैया शेष पानी कितना होगा? रिमेनिंग पानी किसने भरा होगा? बी ने भरा होगा। तो शेष पानी कैसे निकालोगे? टोटल आपका 124 लीटर का पानी था, उसमें से आपने 101 लीटर बता रहे हैं कि ए के द्वारा भरा गया है, तो बाकी पानी किसके द्वारा भरा गया होगा? तो बाकी पानी जो 36 लीटर है वो बी के द्वारा भरा होगा। बी कितना भरता है? बी एक मिनट में कितना भरता है? 3। इसका मतलब उसने 12 मिनट में भर दिया होगा ये पानी। इसका मतलब बी कितने मिनट तक चला है? बी चला है 12 मिनट तक। बोलो आंसर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए, कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता दीजिए। और जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल को गुरु सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दिया करो। सत्यादि शर्मा परिवार ये आप सभी का है परिवार है। आइए सर, और प्लीज आपस में झगड़ाई झगड़ा ना करें। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए महोदय, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, मैं एक बार खुद से रिपीट कर देता हूँ। ए और बी किसी टंकी को कितने मिनट में भरते हैं? 36 और 48 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ चलाया जाता है तो कितने समय के बाद बी को बंद कर दिया जाए कि टंकी हबकी 27 मिनट में भर जाए? मैं खुद ही रिपीट कर रहा हूँ, आप चिंतित ना हो। तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ये 36 मिनट में भरता है, ये 48 मिनट में भरता है, तो 36 और 48 से कटने वाली संख्या होती है 144 है, 144 है, और 36 से भागेंगे 4 लीटर प्रति मिनट, 48 से भागेंगे तो 3 लीटर प्रति मिनट पानी आता है। ठीक है भैया, अरे समझा तो रहे हैं, बिल्कुल। हिंदी की क्लास चलेगी क्या? बिल्कुल चलेगी सर, चलेगी ना हिंदी? अच्छा अच्छा, कुछ दिन रुक के चलेगी, इसलिए लस्सी खा लो। भैया लस्सी खाता कौन है? पीता है महाराज, कौन सी दुश्मनी है? लस्सी खा लो। ये शिवम भाई कौन है भैया? कह रहे सर लस्सी खा लो। बताओ सर, ए प्लस बी कितना करते हैं? 7 लीटर प्रति मिनट पानी भरते हैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए सर जी, ध्यान से चीजों को। अरे नाराज मत होइए बहने हमारी, नाराज मत होइए, ठीक है। अब आपसे कह रहा है दोनों नलों को एक साथ चलाते तो बी को कितने समय के बाद बंद कर दिया जाए कि टंकी 27 मिनट में पूरी तरह से भर जाए? भैया टंकी 27 मिनट में पूरी तरह से भरने की बात की जा रही है, तो 27 मिनट में पूरी तरीके से भरने की बात की जाए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, शुरू से लेके अंत तक पानी भरने में कितना समय लगा 27 मिनट का, जिसमें से ए आपसे कह रहा बी को बंद कर दिया? इसका मतलब ए जो है वो शुरू से लेके अंत तक चला है, ए जो है शुरू से लेके अंत तक चला है। अगर ए शुरू से लेके अंत तक चला है तो मुझे बताइए भाई साहब, शुरू से लेके अंत तक कितने समय तक चला होगा? 27 मिनट तक। इसका मतलब ए 27 मिनट तक चला है, एक मिनट में 4 लीटर पानी देता है, 27 चौके 108 लीटर पानी ए के द्वारा भरा गया होगा, तो बाकी पानी किसके द्वारा भरा गया होगा? बाकी पानी बी के द्वारा भरा होगा। तो शेष पानी कितना है? 36 लीटर, 36 लीटर बी के द्वारा भरा गया है। तो बताइए सर जी कि मुझे ये 3 लीटर प्रति मिनट पानी बता, तो इसको कितना समय लगेगा? 12 मिनट का समय, यही हमारा आंसर होगा। बोलो बात क्लियर है? अब हमारा समय हो चुका है। आदरणीय महोदय, सर जी क्या हो गया है? अरे बहने मेरी, आदरणीय महोदय दिल पे मत लिया करो, वैसे ही कह रहे थे मजाक मस्ती में, तुरंत ही दिल पे ले जाती हैं, लेकिन हमने गलत क्या बोल दिया महाराज, ठीक है। चलते हैं बच्चे, कल लड़कों की खूबी भी बता देंगे, ऐसी बात नहीं है, लड़कों की खूबी तो बहुत ही ज़्यादा उचित है, उनकी तो और अच्छी वैरायटी होती है।
चलो बच्चे अब चलते हैं, हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिलेंगे इसी टाइम आपको इसी के आगे क्वेश्चन के साथ। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, चिंतित मत होना। चलो बच्चे आपसे विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।